चलो यार, 10th कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रीम चूज करने का समय आ गया है। बट वेट, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो स्ट्रीम हम चूज कर रहे हैं वो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप ये तय कर पाएंगे कि किस स्ट्रीम के लिए आप बेस्ट फिट हैं या कौन सी स्ट्रीम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगी। पहली टिप है, कंसीडर योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ। आपकी रुचियां और आपकी स्ट्रेंथ वो फैक्टर हैं, वो कारक हैं जो आपको एक अच्छी स्ट्रीम चुनने में मदद कर सकते हैं। यदि आप साइंस के प्रति पैशनेट हैं और आपको जटिल समस्याएं सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है, आपको अच्छा लगता है, तो साइंस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ आपका इंटरेस्ट फाइनेंस की तरफ है तो कॉमर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अगर आपको क्रिएटिव काम करने में मजा आता है और आप अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, तो आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए बेस्ट फिट हो सकता है। सेकंड टिप है, लुक एट योर फ्यूचर कैरियर अपॉर्चुनिटी। हर स्ट्रीम आपको अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज देती है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप उस स्ट्रीम को चूज करें जो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे पाए और आप उसके लिए बेस्ट फिट हों। इसलिए आपको हर स्ट्रीम से जुड़ी हुई कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में रिसर्च करना चाहिए ताकि आप ये पता लगा पाएं कि कौन सा स्ट्रीम आपके लिए या आपके फ्यूचर गोल्स के लिए ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियरिंग का कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको साइंस स्ट्रीम ही चुनना चाहिए। तीसरी टिप है, एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। स्ट्रीम चूज करने से पहले आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज जरूर करें। आपको दोनों ही तरह की चीजों को रिसर्च करना चाहिए कि एक ऐसी स्ट्रीम जिसको अगर आप चूज करते हैं और उसमें आप सर्वोत्तम कर सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छी है, या आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रीम में आप स्ट्रगल करते हैं या कौन सी स्ट्रीम में आप वीक हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए ऐसी स्ट्रीम को चूज करें जो आपकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाए, और अगर आपकी कोई वीकनेस है तो उस वीकनेस को आप ओवरकम कर पाए। फोर्थ टिप है, कीप एन ओपन माइंड। फाइनली, अपने माइंड को ओपन रखना, अपने माइंड को खुला रखना और सभी स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपने सभी स्ट्रीम्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि आप इस बात पर ध्यान ना दें कि आपके फ्रेंड ने या आपके रिलेटिव ने किस तरह की स्ट्रीम चूज की है तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो पाएगा। इस बात पर भी गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वही स्ट्रीम चूज करें जो आपके इंटरेस्ट से मेल खाता है, जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और वीकनेस को ओवरकम कर पाता है। अगर आपने ऐसा किया है तो जरूर ही आप वो स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाएंगे जो आपके फ्यूचर गोल से मेल खाता है और आप एक बेटर कैरियर की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स की मदद से आप अपने माइंड को खुला रख पाएंगे और कौन सी स्ट्रीम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, किस स्ट्रीम के लिए आप बेस्ट फिट हैं, एक अच्छी स्ट्रीम आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स, कैरियर ओरिएंटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, कैरियर गाइडेंस बाय धर्मेंद्र सिंह।